हेलो गाइस, मैं हूँ रहमत और आपका वेलकम है एक बार फिर से रिव्यू पर। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हरियाणा का जीडी गोएंका यूनिवर्सिटी, जो कि गुड़गांव हरियाणा सोहना रोड पर है। और मैंने इस यूनिवर्सिटी में एंट्री ले ली है, जो कि मैंने इंटर किया है गेट नंबर 1 से। और अभी मैं जा रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। आप पूरा वीडियो बहुत ही आराम से देखें, क्योंकि मैं पूरे यूनिवर्सिटी का जो भी एरिया मैंने कैप्चर किया है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पर होता है किसी भी न्यू स्टूडेंट का एडमिशन। और यहाँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मार्क्स कम भी है 50% या उससे भी कम, तो यहाँ एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। मेरा इसका जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी लगी। जितनी भी चीज़ मैंने देखी, गर्ल्स हॉस्टल प्लस फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल 5-स्टार होटल जैसा दिख रहा है अंदर से। और आगे ये जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कैसी हो रही है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कोऑपरेटिव हैं या नहीं, यहाँ का मिस का खाना, यहाँ का हॉस्टल वगैरह कैसा रहता है। अभी तो मैं इंटर की हूँ, एडमिशन मेरे एक घर के लोग ने यहाँ एडमिशन लिया है, तो सारी चीज़ मुझे आगे पता चलती रहेगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि यहाँ का आगे का हाल कैसा है। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और नीचे कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। जो भी मुझे पता रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगी। और अब मैं निकल चुकी हूँ कॉलेज विज़िट कह लीजिए या कैंपस विज़िट कह लीजिए। बहुत ही बड़ा कैंपस है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और अभी मैं जा रही हूँ गर्ल्स हॉस्टल देखने। और गर्ल्स हॉस्टल का जितना भी मेरे से कैप्चर हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो ये यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल। अच्छी सिक्योरिटी है, वार्डन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे कि मैंने उनसे बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और ये जो कहते हैं ना सिक्योरिटी वगैरह, वो काफ़ी अच्छी। और यहाँ आपको इस कैंपस से बाहर निकलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ कैंपस के अंदर अवेलेबल है। आपको जो भी कुछ ख़रीदना है, आप अंदर में ही शॉप है, ऑल नीड्स की एक दुकान है, आप वहीं से हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। बात रही गर्ल्स हॉस्टल की, वहाँ कैमरा तो अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, पर जो भी मैंने देखा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि वहाँ जो है हॉस्टल का जो रूम है बहुत ही खूबसूरत है, हर चीज़ अंदर में अवेलेबल है। बेड अगर आप ट्विन रूम लेना चाहते हैं, ट्विन रूम यानी कि टू बेड रूम, उसमें आप सिर्फ दो लोग शेयर कर सकते हैं। और उसमें सारा चीज़ अच्छे से लगा हुआ होता है, फ्रिज है, टीवी है, आपका स्टडी टेबल है, और अलमीरा वगैरह आपको सेपरेट दिया हुआ रहता है अच्छे से। और एक रूम में आप दो गर्ल्स आराम से रह सकते हो, बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक, और सब चीज़ अच्छा लगा। और भी रूम होते हैं शेयरिंग के, जिसको कहते हैं 4-bed शेयरिंग, मतलब एक रूम में 4 बेड लगे होंगे, अलग से स्टडी रूम होगा, वो भी अच्छा है। और 8 पीपल का भी शेयरिंग वाला रूम है, जहाँ 8 आदमी एक साथ रह सकते, तो उस हिसाब से उसका रेट भी डिफरेंट होता है। तो रेट आप वहाँ जाकर पता कर सकते हो। जैसे कि मैंने तो ट्विन रूम लिया है, तो उसका है पर ईयर 3 लाख। अगर आप एक रूम को दो लोग शेयर कर रहे हो, तो उसका और प्लस आपका मेस का खाना, लॉन्ड्री, वो सारी चीज़ देने के बाद 3 लाख रुपया लग रहा है। और वो वैरी भी कर सकता है, आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ पे एक शॉप है ऑल नीड्स, जहाँ की आपके हर नीड के सामान यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। सब चीज़ यहाँ अवेलेबल था, देखकर तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और आगे इसका क्या हाल होता है वो आपको पता चल जाएगा अगर आप मेरे चैनल में बने रहेंगे। मैं अपडेट करती रहूँगी कैंपस को लेकर, तो आप
मेरे वीडियोस को चेक करते रहिएगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ गर्ल्स हॉस्टल और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बस इतना ही दिखा सकती हूँ और आगे भी आपको पता चलेगा, जो भी मैंने कैप्चर किया है आप देख सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। ये गर्ल्स हॉस्टल का स्टेयर है जहाँ पर से मैं हॉस्टल को देखकर बाहर आ रही हूँ। और ये वो मैम है जो कि सारा कैंपस दिखा रही थी, कैंपस विजिट के लिए उन्हें ही भेजा गया था हमारे साथ। तो यहाँ पे मेरा कैमरा हिल डोल रहा था बिकॉज़ उन्होंने मना कर दिया था कि मत लीजिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट और ये स्टूडेंट है जीडी गोएंका स्कूल के। यहाँ पर कॉलेज है, स्कूल है, बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर, काफ़ी हाईफाई जैसा फीलिंग आ रहा था यहाँ जाकर। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट और यहीं पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी मुझे दिखा था। तो आप यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी थी ये वाली, आप यहाँ के स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं। और यहाँ के फैकल्टी भी मुझे जहाँ तक उनसे बात करके अच्छा ही फील हुआ। और यहाँ पे महरीन आपको दिख गई और ये है लैबोरेट्री। यहाँ पे लोग नहीं, स्टूडेंट लैब वर्क कर रहे हैं। और सारा चीज़ घूमकर फिर से मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आ गई हूँ और यहाँ पर चल रहा एडमिशन का प्रोसीजर। तो मैं अपना टाइम वीडियो बनाकर बिता रही थी और जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल है। आपका इंटरव्यू होता है, एक शॉर्ट इंटरव्यू, और एक आपको मोबाइल पर ही ऑनलाइन टेस्ट ले लिया जाता है जिसका जो कि सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। फिजियोथेरेपी के एडमिशन में मैं गई थी और कुछ ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन हाईफाई टाइप से नहीं किया गया था, सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरव्यू था और ऑनलाइन टेस्ट हुआ जो कि सिर्फ जनरल नॉलेज से रिलेटेड था। मैं आपको क्वेश्चन बता सकती हूँ जैसे कि आंध्र प्रदेश का फोक डांस क्या है, यूपी का फोक डांस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने। ये कैंपस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को भूख लगी हुई थी तो हम लोग चले गए थे खाने पीने के लिए। और यहाँ कॉफ़ी कैफे डे जैसा रेस्टोरेंट है, सुनने में आया है कि यहाँ मैकडी या केएफसी भी आने वाला है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पे ये जीडी गोएंका स्कूल का कुछ झूला कह लीजिए या बच्चों के लिए प्ले एरिया है। तो यहाँ पे मैं महरीन को लेकर चली गई थी ताकि वो थोड़ी क्रैंकी सी हो रही थी और वो कुछ खेलना चाह रही थी। तो मैं उसे यहाँ ले गई और वहाँ जाकर जो उसने मस्ती की है आप देख सकते हो वीडियो में। तो मुझे जो पता था मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया। अगर आपको भी इससे कुछ ज़्यादा पता हो, अच्छा पता हो, ख़राब पता हो, जो भी पता हो मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं ताकि सबको अच्छा और बुरा दोनों इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए बाय।